जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तो उसे समाप्त करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेकर उसे समाप्त करते हैं। इसी पर आधारित YouTube के माध्यम से मैं जन्माष्टमी के बारे में बतलाना चाहूँगा कि इस वर्ष 2019 में जन्माष्टमी कब मनाया जाएगा। आज जो भी पर्व और त्यौहार देखने को मिलता है, दो तिथियां सामने नज़र आती है। इस वर्ष लोगों में इस तरह की बात आ रही है कि 23 अगस्त या 24 अगस्त को जन्माष्टमी मनाया जाए, किस तिथि को मनाना उचित होगा। सबसे पहले जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बतलाना है। जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, खासकर मथुरा और वृंदावन में काफ़ी सहयोग और धूमधाम से मनाया जाता है। जब श्री कृष्ण जी भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में विष्णु भगवान का 8वां अवतार के रूप में जन्म लिए, जब कंस अत्याचार कर रहा था तो उसे विनाश करने के लिए पृथ्वी पर आए और इस तरह से उसका विनाश हुआ। भविष्यवाणी हुई, पाप से धरती फटे, अधर्म से आसमान, और उस कंस का विनाश हुआ। और इस तरह से कहा जा सकता है कि जब जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म फैलता है तो कोई न कोई रूप लेकर भगवान पृथ्वी पर आते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ। जन्माष्टमी किस तरह से मनाया जाए इसके बारे में विशेष चर्चा। इस वर्ष 23 अगस्त को साधु और संतों के लिए जन्माष्टमी मनाया जाएगा, लेकिन 24 अगस्त की मध्य रात्रि में वैष्णव और गृहस्थ के लिए जन्माष्टमी मनाया जाएगा। 24 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजकर
एक मिनट से 12:44 तक मुहूर्त है और इस दिन जन्माष्टमी पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और जब हम प्रण करते हैं कि धर्म की जीत हो, सत्य की विजय हो, और प्रतिज्ञा करते हैं कि इस तरह से हम आगे बढ़ें और जन्माष्टमी सिर्फ मनाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक हम धर्म की ओर अग्रसर नहीं हों, सत्य की ओर अग्रसर नहीं हों, तब तक जन्माष्टमी मनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अंत में मैं भारत वर्ष के समस्त लोगों को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद।